अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से रहेंगे। आज ना मैं आपको ना अपना कबूतरों का सेटअप दिखाने जा रहा हूँ। कुछ कबूतर हमारे ना बीमार वगैरह है, ये घर के पट्टे हैं, तो बड़े भाई से पूछते हैं कि भाई इनको वजह क्या है इन कबूतरों को कि इनकी आंखें वगैरह क्यों मुझे खराब लग रही हैं और इनकी गर्दनें भी, इसके बाल नहीं है इनकी गर्दनों में। तो ये ज्यादातर ट्रीटमेंट ना काशी भाई, बड़े भाई बासित के तायाबू, वही करते हैं और ज्यादातर शौक भी उनका यही कबूतरों का ही है। तो बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत से कबूतर है। तो बड़े भाई से पूछते हैं कि भाई ये इनकी आंखों को क्या हुआ, मैं देख रहा हूँ ना इनको पास से, तो इनके कुछ गंजे भी हुए हैं, बच्चे हैं बच्चे, और कुछ के आंखें भी प्रॉब्लम है। तो बड़े भाई से पूछते हैं, भाई ये क्या वजह है इसके आंखों को और इसके गंजपन को, क्या इशू आ रहा है? गंजपन का जो मसला है वो तो है इसका लकवे की वजह, लकवे की वजह। अच्छा ठीक है। और आंखें भी मैंने देखा है, कुछ की ना आंखें बहुत काली काली हुई है और बड़े सुस्त भी हुए हैं। काली आंखें नहीं, उनको मेडिसिन लगाया हुआ है। अच्छा अच्छा, मेडिसिन है इनको लगी आंखों में ना, बारिश का मौसम की वजह से वायरस आ गया है बच्चों में। अच्छा, अच्छा। बड़ों में आ गया माशाल्लाह, वो क्लियर हो गए। अच्छा, इनमें भी आया हुआ था वायरस, ये भी क्लियर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लियर हो गया, इनमें भी आया हुआ था वायरस, ये आंखों का आया था। अच्छा, ये बारिश जैसे हुई थी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये मौसम में आया था। अच्छा, तो ये तकरीबन ये है कि सारे ही कबूतरों को वबा टाइप हुई हुई है, एक से दूसरे को ऑटोमेटिक लगती है। और तकरीबन हर फार्म में ऐसे ही होगा या सिर्फ हमारे में ऐसे हुआ? सारे फार्मों में मिलके कबूतरों के जो बीमारी है ना, ये मौसमी बीमारी है जो कि कबूतरों के अंदर आई हुई है। और ये जो भाई बाल वगैरह जो है, ये जैसा ये कबूतर है, इसके गर्दन पे बाल ही नहीं है, पूछल के, हाँ पूछल भी, बिल्कुल हाँ, पूछल में भी बाल नहीं है और इसकी गर्दन में भी बाल नहीं है। ये भी भाई से पूछते हैं कि भाई क्या वजह है इसके पूछल पे बाल ना होना और गर्दन पे? ये लकवे की ट्रीटमेंट है। लकवे की ट्रीटमेंट है इसकी, ये लकवे का हम ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा अच्छा, इसकी वजह से इसके गर्दन के बाल, पूछले, सही, इवन के हम तो फर भी खींच देते होते हैं। ठीक ठीक ठीक। अगर अब ये दोबारा दो तीन दफा हमने कर करके रिकवर कर लिए हैं कुछ। अच्छा, अब ये थोड़ा सा इनका वो स्टेज है कि भी थोड़ा सा इनके फर होना लाजमी है कि ये ऊपर बैठे नीचे बैठे, ये ऊपर नीचे गर्मी से अभी सेट होंगे। ये जो लकवा है, ऐसी बात है, ये लकवे की एक ट्रीटमेंट है जो बड़े भाई ने आपको आप बताया भी है कि इससे गर्दन के बाल भी खुद खींच देते हैं और पूछल भी, ताकि ये कबूतर वगैरह हल्के भी हो जाए और अपने आप को जरा अच्छा भी बेहतर समझे। और माशाल्लाह से अब भारे काफी ट्रीटमेंट हो चुकी है भाई, बेहतर हो गए, कहीं घूम नहीं रहे कबूतर। अक्सर लकवे में ना कबूतर गलेटियां, हाँ ये देखे माशाल्लाह माशाल्लाह, वरना उड़ना शुरू हो गया, वरना ये लकवे में ना कबूतर ना उड़ते हैं, बिल्कुल जमीन पे ऐसे लेटरियां टाइप नहीं होती, जरा के घूमते रहते हैं, गर्दन नहीं उठा सकते। तो वो ये ट्रीटमेंट भाई ने किया है, तकरीबन सबको ही लकवा हो चुका था, अब काफी बेहतर हो गए हैं, तो गर्दन से बाल भी उतार दिए, पूछल भी। एक ट्रीटमेंट, एक तजर्बे की बात बड़े भाई ने बताई है, जो भी कबूतरों का शौकीन है तो उसके लिए फायदेमंद बात बताई है। तो आपके लकवा वगैरह हो तो ये करे ट्रीटमेंट। और आंखों का भाई क्या है, आंखें तो खैर बबा है, तो इसके लिए आप क्या यूज करते हो? मेथाक्लोर का ड्रॉप्स है। अच्छा ठीक है, मेथाक्लोर का ड्रॉप्स है मेरे पास। मेथाक्लोर का ड्रॉप कौन से है भाई, ड्रॉप दिखाओ। ये ड्रॉप्स है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेथाक्लोर है। मेथाक्लोर, अच्छा ठीक है। इसके अंदर वेब्रोमाइसिन का गोली डालेंगे, वेब्रोमाइसिन की गोली डालेंगे। हाँ, तो एक एक कतरा आंख में डालेंगे, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। एक एक कतरा में इसके, ये क्या बताया था नाम, फिर से भूल गया मैं। मेथाक्लोर, मेथाक्लोर का और ब्रूफिंग का जो गोली होती है उसको पीस के फिर पानी के अंदर डालते हैं, जिससे ये आंखें वगैरह ठीक हो जाती हैं कबूतरों की। और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे तकरीबन कबूतर हम बेहतरीन हो गए हैं, ये उड़ भी रहे हैं, तो माशाल्लाह उड़ उड़ के ठीक, ये उड़ उड़ के ठीक होंगे, मजीद इनकी है ना उड़ान में सेट होंगे। ये देखो, अच्छा ये देखे माशाल्लाह से उड़ेंगे। हाँ मजीद ये उड़ने, सही सही सही, महाराज काफी पहले जो गिर जाते थे ना, हाँ, अब ये गिर रहे नहीं है, अब ये उड़ उड़ के देखना, वो देख, हाँ, ये देख रहे हैं, ये हरकतें करते हैं अक्सर लकवे में, ये करने लग रहा है। खैर ये भी अब कुछ बेहतर उड़ ही रहा है, मगर आहिस्ता आहिस्ता ही बीमारी जाएगी। तो महाराज काफी बेहतर होते जा रहे हैं कबूतर। तो हमारा एक और अभी आपको सेटअप दिखाते हैं, राफे साइड पर, ये देखे माशाल्लाह से हमारे यहाँ पर अंडे वंडे भी हैं कबूतरों के, ये अंडे बच्चों के लिए रखा हुआ है माशाल्लाह। क्या हुआ तुम, ये भाई ने कबूतरों को ना थोड़ा सा हवा में साइड पे जो भाई ने कबूतर उड़ा दिया, कुछ क्योंकि आंखों की बीमारी है कुछ में और लकवे की भी है, ये हवा में उड़ने लग गए इस टाइम। वो देखे कुछ वहां छत पे बैठ गया, एक यहाँ वाली पे ये बैठा हुआ,
देखिए माशाल्लाह से, ये हमारा शौक है छोटा सा कबूतरों का। और ये हमने पकड़ा था असील, कौन से वाला? जो असील नजर नहीं आ रहा, समय आसमान पे है ना तो मैं शायद नहीं दिखा पाऊंगा। तो अभी दाना वाना इनको थोड़ा सा नीचे डालते हैं। ने अपने कबूतरों को वापस बुला लिया है, ऐसे उड़ गए थे ना, परेशानी होगी तभी। अभी सिर्फ एक असील कबूतर उड़ रहा है हमारा, इसकी तरी खास टेंशन नहीं है। ये गिरदान कबूतर है, ये पट्टे हैं। तो माशाल्लाह से हमारा अंदर इसमें अंडे बच्चों का है सेटअप, इसमें उड़ान के कबूतर हैं, इनके उड़ते हैं बैठते हैं अपनी मर्जी से, कहीं जाते नहीं, गिरदान कबूतर हैं। तो माशाल्लाह से आपने हमारा कबूतरों का देखा है सेटअप, और अल्हम्दुलिल्लाह से जो जो मुझे इन्फॉर्मेशन बड़े भाई से मिलती रहेगी कबूतरों के बारे में, वो बड़े भाई से लेके आपको मैं देता रहूँगा। अभी हम अपने अपने मुर्गियों को, अपने बत्तखों को, असील मुर्गियों को, इनको भी खाना वाना डालते हैं। राफे आपने सारा दाना खा, ये मैं धनिया वाने सारा दाना तो नहीं डाल दिया। अच्छा अंडा उठाने गए थे, एक अंडा दिया हमारी मुर्गियों ने आज माशाल्लाह से। अब इसको ना रख दो ना, दिखा दो इधर, इधर दे दो, इधर रख देते। ये ना वरना कौवे वगैरह उठा दे, इसको छुपा देते अंडे को। ये दाना वगैरह भी मैं ले आया था, रोटियां भी, चावल भी, और धनिया पालक वगैरह भी। अभी ना हम ना अपनी मुर्गियों को दाना वगैरह सबको डालते हैं, बत्तखों को पानी वगैरह डालते हैं। ये देखिए हमारी असील मुर्गी वगैरह, बड़ा भाई ये तो ये खतरनाक है, इसने अपने बच्चे भी मार दिए और अब खतरनाक हुआ हुआ है बहुत ज्यादा ना। अभी बत्तखों का पानी वगैरह भी खत्म हो गया, इनके लिए पानी भरते हैं और फिर इनको दाना वाना डालते हैं। ये असील मुर्गी के बच्चे वगैरह बेचारे, एक हमारे पांच रह गए हैं, तकरीबन हमारे नौ थे जिनमें से चार मर गए, अब सिर्फ पांच ही बचे हैं। और जो मसला ये है कि हमारे मुर्गे ने ही इनको मारा है, अब पता नहीं बच्चे और लेने के लिए, अंडे लेने के लिए, समझ नहीं आ रही है कि क्या वजह बनी है, मुर्गे ने ऐसा क्यों किया, अपने ही बच्चों को मारा है उसने, तो समझ से बाहर है ये लॉजिक क्या है। बाकी कहते हैं कि अंडे और मुर्गी ना पता नहीं अटैचमेंट नहीं करती है, क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या इशू है, तो की वजह से ना बस मरते जा रहे हैं। और बड़े भाई देखो इस टाइम क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हो भाईजान, क्या कर रहे हो भैया? जैसे ये हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, इनका दाना है ना, दाना जो है इसको अच्छी तरह धो के खिलाना, ताकि कोई बीमारी शिमारी स्प्रे वाला दाना ना आ जाए बीच में। अच्छा अच्छा, ये कलर कैसा हो गया इसका? अच्छा अच्छा अच्छा, ये ट्रीटमेंट दाने की, ये दाना इसको रख के फिर छांट के अच्छा देना, इससे सारा स्प्रे वगैरह दाने का, मिट्टी वगैरह गद वगैरह सारा निकल जाता है, फ्रेश हो जाता है। तो ये धोने का मकसद ये है भाई बता रहे हैं कि एक तो इसके अंदर जो स्प्रे वगैरह जो करते हैं गंदम में, जो दाने में स्प्रे वगैरह, वो भी पानी से साफ हो जाता है, और सारा बैक्टीरिया वगैरह जो हो सकता है सफाई हो जाती है, और मिट्टी वगैरह जो होती है दाने के अंदर वो भी साफ हो जाती है। तो फिर अब ये कबूतरों को डालेंगे, तो डालना किस टाइम? अभी रख देना भिगो के? नहीं नहीं, बस इसको ये ऐसे किया, ऐसे हिलाया, फिर कपड़े से इसी से छाननी से साफ कर लिया। भिगो के नहीं रखते? अच्छा भिगो, गर्मियों में रखते हैं, भिगो के सिर्फ गर्मियों में रखते हैं। इस टाइम इसको थोड़ी सी तसीर गर्म चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे चेंज हो रहा है, अच्छा ठंडा हो रहा है आता आता, ठंडा पानी ज्यादा फिर नुकसान हो जाता है, ज्यादा नुकसान, ये इस तरह से सफाई हो जाती है। फिर हम इसको, अब इनको दाना, इनको अंदर खुडे में ही डालेंगे ना, इनको खुडे में डालेंगे, फिर इनको निकालेंगे, इनको बाहर बासी, राफे बासी सामने, हाँ चलो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक तो राफे और बासी दोनों के नाम मिक्स हो जाते हैं, तो इसने मुर्गी अपनी खोल दी है। राफे इधर आओ, अंडा निकाल लिया था ना, अब इनको खोलो यहाँ, इनको अब दाना वगैरह भी डाल देते हैं ना, काफी देर हो गई है इन्होंने खाना नहीं खाया। चलो 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 चलो, इन्होंने दाना वगैरह डाल दिया यहीं पे, चलो कुछ यहाँ फेंक देते हैं, ये होके खा लेंगे ठीक है। थोड़ी बहुत रोटी शोटी भी डालते हैं, चावल शावल भी डाल देते हैं। ये देखो ये चावल वगैरह भी मैंने इन्हें डाल दिए, रोटी भी डाल दी, खुद ही खाते रहेंगे स्कूल से। नहीं नहीं अंदर नहीं रहना, अंदर नहीं रहना आज। चलो इनको दाना वगैरह हमने डाल दिया, पालक 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 नहीं, धनिया है बेटा और पालक, बिल्कुल धनिया और पालक भी इन परिंदों को अपने हम डाल देते हैं, ताकि तरोताजा रहेंगे, गर्मी कम लगेगी। खैर अब तो मौसम अच्छा हो गया, बस डाल दिया बेटा मैंने धनिया, अपनी देसी मुर्गियों को तो डाल दिया है, अब अपने बच्चों को भी डाल देते हैं। तो स्पीड देखो भाई, मार रहे हैं तो
भाई मारते हैं, डालते 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 उनको भी, इनके लिए भी ले लिया थोड़ा सा पालक वगैरह डाल देते हैं। चलो चलो भाई भाई पड़ गए, ये तो पड़ गए ये तो। भाई इन सबको मैं दाना वाना डालता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कबूतरों का दाना भी डाल दिया जो धोया था, और पानी भी रख दिया। अब इनको ना अंदर डालते हैं, इन्हें डालने का टाइम आ गया। खुटी 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 प्यारा बजाने होने लग गई है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ डालने के बाद। मैंने अपनी मुर्गियों को, बतकों को, मुर्गी के बच्चों को, सबको, असील मुर्गियों को, बच्चों को और असील मुर्गी मुर्गे को, सबको मैंने अपना दाना वाना डाल दिया है। और मैंने अपने कबूतरों को भी डाल दिया है, दिखाता हूँ आपको, जो कि धोया था हमने दाना। ये देखें माशाल्लाह से ये दाना वगैरह खा रहे हैं, कितना साफ सुथरा हो गया दाना, ये खा पी रहे हैं। यहाँ पर हमारे अंडे बच्चों वाले हैं जो यहाँ खाना वाना खा रहे हैं, दाना वाला पानी भी इनको हम अंदर ही डालते हैं। इन दोनों सेटअप को, बच्चों को भी और अंडे बच्चों वालों को भी जो परिंदे हैं, ये जो हमारे कबूतर हैं उड़ान के, इनको हम बाहर निकाल के दाना वगैरह डालते हैं। तो भाई इनको किस तरह खोल, दाना भी इनका धो दिया है, बड़े भाई ने इनका दाना भी धो दिया है। और अभी इनको खोलते हैं, इन्हें बाहर निकालते हैं अपने उड़ान वाले परिंदों को। ये आसमान तक जाते हैं, आसमान से आते हैं इनका। ये देखिए माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, हमारे कबूतर बाहर आ गए हैं, बड़े प्यारे जर्द खाल बहुत से हैं कबूतर, इसमें मुख्तलिफ मुख्तलिफ किस्मों के। और ज़्यादातर हमारे पास जर्द खाल हैं, काले खाल हैं, कासनी खाल हैं, कुछ हमारे पास चोटीदार कबूतर हैं वो हैं माशाल्लाह से, बहुत प्यारे। तो ये तो दाने की तरफ, भाई अभी तो नहीं दाना डालना ना, इन्हें अभी दाना नहीं डालना। तो खैर दाना धुला हुआ, इसको यहाँ रख देते हैं छुपा के, ताकि इनकी नज़र ना जाए। तो माशाल्लाह से हमारे ये कबूतर हैं, पूरा सेटअप आपने हमारा देखा है। कबूतर काशी भाई की आवाज़ से कैसे ये देखे, काशी भाई ने फौरन आवाज दिया, आसमान ऊपर छत पे चले गए। ये देखे कैसे उड़ रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। काशी भाई की आवाज से ऐसे भागे कि पता नहीं क्या हो गया इन्हें, भाई बहुत ज्यादा डर गए थे ये तो। ये हमारे कबूतर वापस आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उतरते आ रहे हैं, काफी डर गए थे काशी भाई की आवाज से। और इनको अभी ये देखे कैसे इशारे से, दाने के इशारे से फौरी कबूतर, देखे ऊपर छत पे बैठे थे सारे नीचे आ रहे हैं। तो ये भाई के माशाल्लाह भाई की मेहनत है, तो बड़ा ख्याल रखते हैं कबूतरों का। तो ये तो खैर चलता रहेगा, और आई होप कि आपको ये हमारा ब्लॉग पसंद आया। अगर हमारे चैनल अब्दुल बासी भट्टी 7 को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन लाजमी दबाया करें। अभी के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।